नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की संस्कृत विषय से आज हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है अव्यय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अव्यय से जो है प्रश्न आप कैसे हल करेंगे और किस प्रकार अव्यय में प्रश्न आते हैं और कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं अव्यय, इंपॉर्टेंट अव्यय जिनके अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और आप बाद में वीडियो में खो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक शेयर और कमेंट। चलो देखो, सबसे पहले अव्यय की परिभाषा देखो। संस्कृत भाषायाम शब्द प्रकारम द्वयम अस्ति, यानी संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी अविकारी, विकारी और अविकारी। ये शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्गे मिलित्वा रूप परिवर्तनम कुर्वते ते विकारी इति शब्द, यानी जिन शब्दों में विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग आदि को मिलाकर रूप परिवर्तन होता है वो तो होते हैं विकारी। अविकारिणी तु कदापि रूप परिवर्तनम न कुर्वन्ति, और अविकारी में कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता। ये ते अव्यय शब्दन कहते हैं, यही अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात एषु शब्देषु लिंग वचन कारकादि संबंध ने रूप परिवर्तनम भवति ते अव्यय सन्ति, यानी जिनमें लिंग वचन और कारक के द्वारा रूप परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय जो है प्रकार द्वयम अस्ति, अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रथम तावत रूढ़म अव्युत्पन्नम वा, यानी जो रूढ़ होते हैं प्राचीन काल से, जैसे यथा चय व्यय चय वा विना प्रतिगदानी धातु अव्युत्पन्न, द्वितीय यौगिकम पठित्वा पठितमुदानी धातु व्युत्पन्न कृतत्वानी। जैसे विभक्ति बोधक जो अव्यय है, जैसे कुत्ते ग्रामते कुत्र, ये विभक्ति बोधक है। काल बोधक है यदा कदा सर्वदा, प्रकार बोधक है यथा तथा कथम इथम द्वेधानी विविधानी अनिकस्य पंचकृत्वादिनि। अब देखो, सबसे पहले हम अपि अव्यय की बात करते हैं। देखो, अपि का अर्थ तीन प्रकार से होता है। एक तो होगा भी के रूप में, एक होगा एतद रिक्तम यानी खाली स्थान के रूप में, एक होगा वाक्य प्रारंभ प्रश्नवाचक के रूप में। तो यहाँ देखो, अहम अपि ग्राम गच्छामि, मैं भी गांव जाता हूँ, और एतद रिक्तम अस्ति मे सोदार स्नेह पेतस्तु, यानी अस्ति मे सोदार स्नेह अस्तु। यहाँ पर जो अपि है रिक्त स्थान के बीच में, यहाँ पर अस्ति को इसके मतलब एतद रिक्तम यानी खाली स्थान में इसको बैठाया गया है। वाक्य आरंभ प्रश्नवाचक अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, यानी आप भी यहाँ पर कुलपति सन्निहितो कुलपति, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक के रूप में। फिर इति का रूप, इति जो है चार प्रकार से। एक तो शब्द स्वर गोतक, यानी शब्द के जो स्वर है उसके ऊपर गोतक करने के लिए, इंगित करने के लिए। एक कारणा कारणोद्योतर यानी क्योंकि के लिए। एक प्रतिपादिक गोत्र यानी जो किसी भी प्रतिपादक को बताने के लिए, और एक है उपसंहारार्थ यानी समाप्ति के लिए। जैसे शब्द स्वर गोतक है कुंजतम रामे रामेति मधुरम मधुर मधुराक्षरम, यानी रामेति इति शब्द स्वर गोतक है, राम को इंगित कर रहा है। कारणार्थ वेदिशिको अस्मिति पृच्छामि पुराणात् पुराणमिति उन्नय साधु सर्वम, यानी विदेशिकों ने मुझसे, विदेशी को स्मृति यानी विदेश में मुझे पूछा गया कि पुराणों में सर्वत्र साधु नहीं है। प्रतिपादिको उगत यानी दिलीप इति राजेंदु अवमेव चेनाम घे इति, यानी दिलीप राजेंदु यानी राजा है, राज राजेंद्र है। उपसारिति इति द्वितीय अध्याय यानी यह द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया। इति प्रथमांक है, यह प्रथमांक समाप्त हो गया। इव का दो प्रकार से प्रत्यय है, एक तो होगा उपमा रूप में और एक होगा उत्प्रेक्ष रूप में। जैसे वागार्थ इव संप्रिक्तो, और एक होगा पयसाम इव पिनाकिनम लिंपति तमो अग्नि तमो अग्नि, यानी एक तो उपमा प्रकट करेगा और एक उत्प्रेक्ष प्रकट करेगा इव अर्थ में। उच्चई, उच्चई का महत्यार्थ यानी अलग अर्थ होते हैं। जैसे उच्चई पर्वत संति बहुत ऊंचा पर्वत है। विपदी उच्च स्थायम, विपदी होने पर उच्च स्थान पर चले जाओ। से गाय के उच्च गायंती, वह ऊंचा गाते हैं ऊंचाई विहार से, ऊंचाई विहार से। न्यूनम का दो अर्थ होगा, एक तो होगा असंदिग्ध रूप में और एक होगा निश्चय। जैसे न्यूनम तवा तत्र गत्य हो, यानी आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। न्यूनम तत्व तवया तत्र गत्य, यानी आप वहाँ पर गए। न्यूनम सह सत्य बदामी, वह हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको 1 2 3 4 5 अव्यय का अर्थ बता दिए। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये अव्यय जो है काफ़ी हैं, 30 एक अव्यय हैं। हम डेली इनको 4 4 5 5 करेंगे
और कवर करते रहेंगे। और आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, सत्यम वदामि, खालिस्तान कौन सा भी आएगा, अपि इति नूनम, इन तीनों में से आपको एक अव्यय इसके अंदर भरना है। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी जरूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।